हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 27 फरवरी को जितने बच्चे गणित का पेपर देने जाओगे तो इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करके जाना। मेरे प्यारे बच्चों, खंड ब में आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बात की 100% गारंटी है मेरी, ठीक है? इस बात को आप लोग एकदम बिल्कुल मान के चलो कि ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने ही वाला है। और इस पेपर को पूरा का पूरा सलूशन करके अगर चले गए तो मेरी गारंटी है कि आप 95 मार्क्स से आप पार ही लेकर आने वाले हो इस बार, ठीक है? तो देखो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। 21वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 21वां कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब जितने भी खंड है सभी खंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें भी दिया है पहला वाला, देखो पहला क वाला क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। कैसे इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है। तो कॉपी में किस प्रकार अरेंज करके लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं कि आप जैसे मर्जी वैसे इस सवाल को हल कर दोगे तो नंबर कट जाएगा। डायरेक्ट अगर हल करके आंसर बता दोगे तो दो नंबर के आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। एक इसका प्रोसेस होता है, स्टेप मार्किंग होता है, उससे लिखोगे तब आपके दो में दो नंबर मिलेंगे। कैसे है देखो, सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे हल लिखा जाता है। क्या यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिखिए, इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योगफल 85 है तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे पहली संख्या, ठीक है? क्योंकि दो संख्या है, दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। लिखेंगे हम लोग कि माना पहली संख्या देखिए जिस प्रकार बता रहा हूं सेम, अगर उस प्रकार अगर एग्जाम में लिख के आते हो एक नंबर नहीं कटेगा। तो माना पहली संख्या, पहली संख्या हमको मालूम नहीं तो मान लेते हैं x, तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो मेरे प्यार बच्चों, अगर दो संख्याओं को योगफल 85 है और पहली संख्या आपको मालूम आपको चल गया कि x है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। 85 में से आप पहली संख्या घटा दो तो 85 में से अगर पहली संख्या अगर मैं घटा देता हूं तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या मालूम चल जाएगी, तो 85 - x होगी। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या मेरे प्यार बच्चों 85 - x होगी। सिंपल है कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है? अब मेरे प्यार बच्चों, जाहिर सी बात है कि दो संख्या है तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, ठीक है? तो बड़ी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और छोटी संख्या को मान लेते हैं 85 - x। तो यहां लिख लीजिएगा कि माना बड़ी संख्या, क्योंकि दो संख्या में से जाहिर सी बात है एक संख्या बड़ी होगी, ठीक है, और एक संख्या छोटी होगी। तो माना बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या को आप x मान लो, तो यहां ब्लैक पेन से लिखिएगा कि माना बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आराम से बताना होगा, भले ही समय लग जाएगा लेकिन एक नंबर कटने नहीं दूंगा आप लोगों को, इतना गारंटी है मेरी, एक नंबर मैथ में नहीं कटेगा आप लोगों का। और छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो छोटी संख्या को 85 - x मान लो, ठीक है, 85 - x, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या 85 - x होगी, यहां लिख लीजिएगा होगी। देखो इस तरह स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अब जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे और आंसर बिल्कुल आपके हाथ में होगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है? यहाँ पे आप प्रश्न अनुसार देखिए ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर यहाँ पे कामा लगाइएगा, यह होता है मैथ सॉल्व करने का तरीका। क्या बोला है देखो, बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, ठीक है? अब देखो, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के, तो बड़ी संख्या क्या x, तो बड़ी संख्या हम लिखेंगे x, जो x है वह छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या क्या 85 - x, यहां लिखिएगा छोटी संख्या 85 - x, तो छोटी संख्या के 4 गुने से, तो 4 गुने मतलब 4 को गुणा कर दो, तो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक मतलब 5 और ऐड कर दो, 5 अधिक है, बात खत्म, बराबर हो गया। अब यहां से सिर्फ हल ही तो करना है आप लोगों को। कैसे देखो,
यहां पे हो जाएगा आप लोगों का एक्स बराबर, गुणा करो तब 85 में जब 4 को गुणा करोगे तो 340 आएगा। कितना आएगा? 340 आएगा। 340 माइनस 4 को गुणा एक्स में करोगे मेरे प्यार बच्चों तो 4x आएगा, और प्लस यहाँ पे आ गया आपका 5। यहां तक क्लियर हो? किसी को डाउट मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों एक्स है, एक्स को इस साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4x। माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस के 4x बराबर, इधर बच जाएगा 340 और प्लस 5, कितना हो जाएगा? 345। कितना हो जाएगा? 345। नीचे आइए, इधर हो जाएगा x और 4x मिलके मेरे प्यारे बच्चों 5x बराबर, इधर हो गया आपका 345 मतलब 345। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा कि 345 और बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब 5 से कटा दो तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 5 से कटाते हो आप तो कितना बार में कटेगा? 5 6 30 और 5 9 45, तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? x बराबर आ गया आपका 69। x बराबर क्या आ गया? 69 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल लो, तो अब नीचे लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को। कैसे लिखोगे कि अतः, क्या लिखोगे? अतः पहली बड़ी संख्या, अतः पहली जो बड़ी संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लिखा जाता है जिस प्रकार मैं लिखा हूं, ठीक है? तब ना जाके आपको नंबर मिलेगा पूरा, ये नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर बता दो तो नंबर कट जाता है। पहली बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या को हमने एक्स माना था, तो पहली बड़ी संख्या तो 69 आ गया। पहली बड़ी संख्या कितना? 69। तथा दूसरी छोटी संख्या, तथा दूसरी, नीचे लिख लीजिएगा, दूसरी छोटी जो संख्या होगी दूसरी छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हमने क्या माना था? 85 माइनस x, तो ये हो जाएगा 85 माइनस 69। 85 माइनस 69 का मतलब कितना हो जाएगा? बराबर में 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो एक संख्या दूसरी छोटी संख्या 16 और पहली बड़ी संख्या 69। अब मेरे प्यारे बच्चों यह है संपूर्ण सोल्यूशन। आप देखो इस तरह लिखोगे, एक नंबर की अगर हम बात करें, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। देखो इस तरह अगर लिखते हो, ये नहीं कि डायरेक्ट बस इतना समीकरण लगा के हल कर दो तो आपको बताता हूँ आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है मैथ में, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसीलिए बहुत सारे बच्चों का नंबर मैथ में कम आता है। चलो इसको साइड करता हूँ मैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ख वाला। कह रहा है कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, और कह रहा है x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x का जो वैल्यू आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ये भी प्रश्न कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों? 2 नंबर का। देखो कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप हल लिखो, क्या लिखोगे? सबसे पहले आप हल लिखो। हल लिखने के बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया, पहले जो समीकरण दिया समीकरण पे उतारो। समीकरण हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि x और माइनस के 1/x और बराबर में हमको 3 दिया हुआ है, ठीक है? यही समीकरण हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों। देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो x के नीचे आप 1 मान लो, ठीक है? इसके बाद इसका एलसीएम लो, तो 1 और x का एलसीएम x होता है। जब 1 का भाग x में देखो तो x बार जाएगा, जब x का गुणा x में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर आएगा, और बीच में लगाओगे माइनस, फिर एक्स में एक्स का भाग दोगे तो 1 बार 1 का गुणा 1 में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 आने वाला है, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर हो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1 तो ऐसे रहेगा, बराबर एक्स गुणा 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर अगर आ जाएगा तो माइनस के 3x, और इधर माइनस का 1 है ही, बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। अब यह आप लोगों के पास समीकरण बन के हो गया तैयार, ये समीकरण मेरे प्यारे बच्चों बन के हो गया बिल्कुल तैयार, रेडी हो गया। अब इसे हमें हल करना है।
तो मेरे प्यार बच्चों, गुणनखंड विधि से तो हल होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है कि गुणा करने पे एक आए, जोड़ने घटाने पे तीन आए। तो गुणनखंड विधि से जब कोई मेरे प्यार बच्चों नहीं होला हल होता है, तो उसे हम लोग श्रीधाचार नियम से हल करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं कि श्रीधाचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र, ठीक है। कौन सा सूत्र लगाओगे? श्रीधराचार्य सूत्र, या आप द्विघाती सूत्र भी कह सकते हो। श्रीधराचार्य सूत्र मेरे प्यार बच्चों ये कहता है कि x बराबर, क्या कहता है, x बराबर माइनस के बी और प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और पूरे के पूरे बटे में मेरे प्यार बच्चों टू ए होता है। क्या होता है? टू ए। अब मेरे प्यारों से सबसे पहले आप एबीसी के वैल्यू निकालोगे, तो ए बराबर क्या होगा, ए जो होता है मेरे प्यारों जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो एक तो छिपा होता है ना, तो एक्स का वैल्यू तो एक आ गया, ठीक है, कामा लगाओ। बी बराबर, बी जो होता है मेरे प्यारों जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के तीन, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस के तीन। और सी बराबर अचर पद, अचर पद हमारे पास क्या है, माइनस के एक है। अब एबीसी का वैल्यू निकल गया, आप इसमें पुटअप करो, पुटअप करोगे मेरे प्यार बच्चों तो क्या होगा, x बराबर माइनस तो फार्मूला में है तो माइनस फार्मूला में हो गया, फिर b, b का वैल्यू क्या है, माइनस के तीन, तो b के हम लोग लिखेंगे माइनस के तीन, फिर लगाओगे प्लस और माइनस, ठीक है, फिर करनी में बोला है बी स्क्वायर, बी मतलब कि माइनस के तीन, तो माइनस के तीन का स्क्वायर कर दोगे, फिर माइनस चार गुणे ए, ए का वैल्यू कितना है, एक है, तो एक जगह आप लगोगे एक। सी, फिर सी है, सी का वैल्यू माइनस एक है, तो सी की जगह आप माइनस एक लिखोगे, इस करने को बड़ा कर दो, और बटे में मेरे प्यार बच्चों क्या है, टू ए, तो टू इन टू, ए का वैल्यू कितना मेरे प्यार बच्चों, एक, तो एक जगह आप लिखोगे एक। यहां तक क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस के तीन हो गया, और प्लस माइनस करनी में क्या होगा मेरे प्यार बच्चों कि माइनस तीन का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस के नौ आएगा, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो आ जाएगा प्लस, चार कम चार, फिर चार को गुणा एक में करोगे तो चार ही आने वाला है, और बटे में दो को गुणा एक में करोगे मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका दो ही आने वाला है। यहां तक क्लियर हो, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। पेज भर गया, एक पेज में अलग से लेता हूं नीचे, अब देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अब ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों एक्स बराबर तीन और प्लस माइनस नौ और चार जितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, नौ और चार कितना होता है, तेरह, तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में मेरे प्यारे बच्चों तेरह और बटे में हो गया मेरे प्यारे बच्चों दो। अब इसे हल कैसे करेंगे, तो एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं एक बार प्लस लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं आप कि पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, तो अगर एक बार मैं पॉजिटिव लेता हूं मेरे प्यार बच्चों तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो x बराबर तीन, पॉजिटिव ले रहा हूं तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, और करनी में मेरे प्यार बच्चों तेरह और बटे में क्या हो जाएगा दो, क्लियर है। और एक बार इस मैं लिख देता हूं निगेटिव लेने पे, क्या लेने पे, निगेटिव लेने पर, तो अगर मैं निगेटिव ले लू मेरे प्यार बच्चों तो निगेटिव लेने पे क्या होगा कि x बराबर जो होगा वो हो जाएगा तीन, बीच में आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने निगेटिव लिया है, और करड़ी में इधर मेरे प्यारे बच्चों तेरह और बटे में दो। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके ये हल हो गए तैयार, एक आपके आ गया x बराबर इतना, x बराबर इतना, बस क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है आंसर। आई इस तरह लिखोगे एक नंबर आप लोगों को कटेगा नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है, मान के चलो, ठीक है। आगे देखो, सबको मैं साइड करता हूं, आगे देखो पेपर क्या दिया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चित्र में, ठीक है, चित्र में आपको दिखा देता हूं, यह चित्र है, बोला है कि चित्र में कि DE जो है वो BC के समानांतर है, तो DE भुजा BC के समानांतर है, मतलब कि ये जो DE भुजा है मेरे प्यारे बच्चों वो BC के क्या है, समानांतर है, ये बोला हुआ है। इसके बाद बोला है कि भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, AD मतलब ये वाला भुजा, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा
सी ई बराबर 8.1 सेंटीमीटर, तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारों, जो ध्यान से इस चित्र को देखो, एडी की लंबाई पूछा है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समानांतर है, तो ये जो डीई भुजा है वो दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये बात आपको भी मालूम है। तो समानुपात में विभाजित करने का मतलब कि एडी बटे में डीबी और ए ई बटे में ईसी, आप ये जानते हो। तो आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, इसको कैसे लिखा जाता है, आप इस लाइन को लिखोगे। चलिए, तो मेरे प्यार बच्चों, ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। जब तक ये लाइन नहीं लिखोगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो नंबर आपके कट जाएंगे, 100% इस बात की मेरी गारंटी, के नंबर कट जाएगा। लिखना पड़ेगा, लिखोगे। चूंकि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अब जाके तब आप फार्मूला लगाओ कि AD बटे में DB। ये लिखने के बाद, ताकि तब एग्जाम को समझ आएगा कि भाई किस नियम के अनुसार आपने यह फार्मूला लगाया है। तो AD बटे में DB बराबर होगा मेरे प्यार बच्चों AE बटे में EC के, तब जाके ये बराबर होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, AD AD का वैल्यू तो हमको निकालने के लिए दिया है, तो AD की जगह हम तो AD ही रखेंगे। अब बटे में DB का वैल्यू दिया, देखो DB का वैल्यू 10.8 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 10.8 बराबर AE। AE का वैल्यू 2.7 दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, और बटे में यहाँ पे EC का वैल्यू 8.1, तो 8.1 हमने लिख दिया। अब इसे हल करेंगे। अब तिरेक का गुणा कर लो, AD का गुणा 8.1 में करोगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों कि AD गुणे 8.1 और बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका 2.7 और गुणे में 10.8। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों, में अगर AD निकालता हूं तो AD बराबर क्या होगा आपका, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2.7 गुणे 10.8, ये जो गुणा में है नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा 8.1, ये भाग में हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारों, इसे कटाना है, तो ध्यान दो, इस दशमलव से इस दशमलव को उड़ा दो। इस 27 हो गया, ये 81 हो गया। ठीक है, अब 27 तिया 81 होता है, तो 27 तिया 81 तीन बार में कट गया। अब 3 से इसको काट दो, तो 3 तिया 9 और 3 6 18, 3.6 बात खत्म। तो AD बराबर मेरे प्यार बच्चों कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। अब मेरे प्यार बच्चों, एक नंबर आपको नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर इस तरह हल करते। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो इसको ऐसे हल करते हैं, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को, कोई भी डाउट 1% डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे मेरे प्यार बच्चों घ वाला। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो कि समीकरण 3x² - 7x+2 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात कीजिए। बिना मूल ज्ञात मतलब बिना गुणनखंड विधि का हल किए ही आपको इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हल करोगे, सबसे पहले ब्लैक पेन लेता हूं मैं, यहां पर लिखूंगा हल, क्या लिखूंगा, हमने लिखा हल। ठीक है, आप लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, ठीक है, क्या लिखोगे कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया गया मेरे प्यार बच्चों, तो दिया गया समीकरण जो हमारे पास है वह है 3x² - 7x+2। अब इसका हमें योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले मूलों का योगफल, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए मेरे प्यार बच्चों। देखो, मूलों का योगफल अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, एकदम रट जाओ कि मूलों का योगफल किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो मूलों का योगफल जो होता है मेरे प्यार बच्चों, वो होता है कि -b/a होता है, एकदम फिट कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे मूलों का अगर मैं योगफल निकालूं तो माइनस तो फॉर्मूला में है। ठीक है, अब b/a लिखने के लिए आपको abc की वैल्यू चाहिए, तो आप पहले abc की वैल्यू निकालो।
तो ए बराबर क्या होगा, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए बराबर तो 3 आ गया। बी जो होता है वो आपका एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स बराबर माइनस के 7 आ गया। और सी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों अचर पद होता है, तो सी बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया, बी बी का वैल्यू कितना, माइनस के 7, तो बी की जगह हमने लिख दिया माइनस के 7। और बटे में ए, ए का वैल्यू कितना है 3, तो इसको हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 3, तो 7/3 जो मेरे प्यारे बच्चों वो मूलों का योगफल आ गया। 7/3 जो है वो मूलों का योगफल आ गया। इसी तरह मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का भी फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है उसको नोट करो। तो यहाँ लिखोगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल जो फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है सी बटे ए। यहाँ लिख लेना, क्या होता है सी बटे ए, सी मतलब अचर पद, बटे में ए मतलब एक्स स्क्वायर को गुणांक। तो सी का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों 2, सी की जगह हम क्या लिखेंगे 2, और ए बराबर 3, तो 2/3 जो है मेरे प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल आ जाएगा। आप इस तरह लिखोगे तो एक नंबर आप लोगों का कटेगा नहीं। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न हमने क्लियर कर दिया, इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है, आप देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अड़ाव वाला। क्या है देखो प्रश्न है कि एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, मैं एक पेज ले लेता हूँ हल करने के लिए, फिर इसको हल करता हूँ। देखो मैंने ले लिया पेज, सबसे पहले आप हल लिखोगे, क्या लिखोगे हल, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो बोला है कि 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े दफ्ती के टुकड़े को मोड़कर, तो यहां पर लिखेंगे कि दफ्ती के टुकड़े की माप, तो दफ्ती के टुकड़े, तो दफ्ती के टुकड़े की जो माप दिया है मेरे प्यारे बच्चों लिखना पड़ेगा, माप दिया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, मतलब 22 सेंटीमीटर लंबा और 18 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, यह माप दिया हुआ है। फिर बोला इसे मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है, तो यहां पर लिखेंगे इसे मोड़कर, इसे मोड़कर 18 सेंटीमीटर, ब्लैक पेन से लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, इसे मुड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा, 18 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया है, ये लिखना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। नंबर अगर आप मैथ में पूरे में पूरे लाना चाहते हो तो ये लिखना ही पड़ेगा, इस बात की गारंटी मेरी, नहीं तो नंबर फिर 100% कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 18 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, सबसे पहले आप देखो दफ्ती के टुकड़े की माप 22 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, और इसे मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो आधार की परिधि कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 22 सेंटीमीटर। आधार की परिधि तो आपको तुरंत मालूम चल गया 22 सेंटीमीटर हो गया, इससे त्रिज्या निकल जाएगा। यहां पर लिखिएगा आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो यहाँ पे आधार की जो परिधि होगी मेरी प्यारे बच्चों वो तो हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो तो आधार की परिधि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2πr, क्या होगा 2πr होगा। अब 2πr मेरे प्यारे बच्चों 22 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे इसको लगाओगे, तो आप पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर बराबर 22। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों यहां से अगर मैं आर निकालूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 तो ऐसे ही रहेगा 22। ठीक है, अब यह 7 भाग में, 7 ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, अब ये दोनों गुणा में है, नीचे आएगा तो दोनों भाग में आ जाएगा, 2 × 22। इसके बाद अगर मैं आर निकालूं तो आप ध्यान दो कि 22 से 22 कैंसिल, ऊपर 7 बच गया और नीचे 2, तो त्रिज्या तो आपकी आ गई मेरे प्यार बच्चों 7/2। जब त्रिज्या आपको मालूम चल गया मेरे प्यार बच्चों, तो आपसे पूछा क्या है
आपसे पूछा है कि जो बेलन बना है तो बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन तो आप लिखिएगा अतः, नीचे लिखिएगा अतः बेलन का आयतन पूछा है, तो अतः बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा तब इसको हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं हल कर पाओगे। तो बेलन का आयतन यहाँ पे हेडिंग डालोगे बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। अब मेरे प्यारे बच्चों पाई का मान क्या रखोगे? 22/7, और त्रिज्या आपको मालूम चल गया 7/2, 7/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच, एच बोला है 18 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया था ना, तो 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब कटाओ, अब कटाओगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 9 18, 9 बार में, तो यह हो जाएगा आप लोगों का 11 गुणा 9 में करोगे तो 11 9 99, और इधर बच गया गुणे में 7। अब 99 का गुणा आप 7 में कर दो मेरे प्यार बच्चों तो 693 आ जाएगा, 693। अब आयतन निकाले हो तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरे प्यार बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा, एक नंबर जो है एग्जामिनर नहीं काटेगा आप लोगों का। चलिए ये भी प्रश्न हमने क्लियर कर दिया, आगे देखो मेरे प्यार बच्चों क्या है अगला प्रश्न। देखो च वाला अगला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों च है, क्या है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 में विभाजित करता है, मतलब इतना विभाजित करता है, मतलब कह रहा है कि ये दो बिंदुओं को ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए मैं एक स्केल ले लेता हूं, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे एक लाइनिंग खींचेंगे, एक हमने लाइनिंग खींच दिया। आप समझो प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि वह अनुपात क्या कीजिए जिसमें बिंदु दो बिंदु दिया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, ठीक है। अब एक बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है -3,10, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि -3,10 दिया हुआ है, इस बिंदु को निर्देशांक मान लिया, और यह बिंदु का निर्देशांक दिया है 6,8, 6 और -8 दिया हुआ है। अब मेरे प्यार बच्चों बोला है कि एक बिंदु है यहां मध्य में, एक बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक है मेरे प्यार बच्चों -1,6, और यह बिंदु इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, वही अनुपात हमसे पूछा है मेरे प्यार बच्चों, वही अनुपात हमसे पूछा है। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, यह होता है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे नोट कर लेना, इसको हम बोलते हैं X1,Y1, और इसको बोलते हैं मेरे प्यार बच्चों X2,Y2, और ये जो मध्य में होता है इसको हम बोलते हैं X,Y, ठीक है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लगाएंगे विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे, तैयार लिख लीजिएगा आप लोग विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र आप लोगों को मालूम रहेगा तभी इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। विभाजन सूत्र मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि x बराबर, विभाजन सूत्र कहता है कि x बराबर M1 X2 प्लस में M2 X1 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों M1 प्लस M2, ये होता है विभाजन सूत्र मेरे प्यार बच्चों। अब ध्यान से आप देखोगे तो x का वैल्यू तो दिया है -1, तो x का आप रखोगे -1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर M1 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो M1 इंटू X2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 रखेंगे, प्लस M2 हमको ज्ञात करना है मेरे प्यार बच्चों इंटू X1 की वैल्यू देखो यहाँ -3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, और पूरे के पूरे बटे में M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो ध्यान से, अब इसका गुणा इतना में करोगे तो यह हो जाएगा -1 को गुणा M1 में करोगे तो यह हो जाएगा -KM1, होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब माइनस को गुणा प्लस
प्लस में करोगे तो माइनस, फिर एम टू को गुणा एक में करोगे तो एम टू बराबर, इसका गुणा इसमें किए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m1, अब प्लस गुणा माइनस करोगे तो माइनस 3m2, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करना है, यहां पे क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों कि -m1 और ये आपका 6m1 इधर आएगा तो -6m1 होगा बराबर, इधर आपका 3m2 है और -m2 उधर जाएगा तो +m2, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -m1 -6m1 मिलकर हो जाएगा -7m1 बराबर, अब ये दोनों घट जाएंगे, +3m2 और +m2 तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस के 2m2 बचेगा। अब माइनस से माइनस इधर कर दो खत्म, अब अनुपात निकालो तो m1 और इसको भेज दो इधर तो हो जाएगा m1 और m2 बराबर, तो इधर तो 2 है ये गुणा में तो उधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो मतलब किस अनुपात में, अगर मैं m1 और m2 का अनुपात निकालूं मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 2:7, यही अनुपात में विभाजित करेगा मेरे प्यारे बच्चों और यही आपका आंसर कहलाएगा। इसी तरह आप लोगों को हल करना, एक नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको पूरा का पूरा यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है? इस तरह आप लोगों को हल करना है, एक नंबर नहीं कटेगा इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को, तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो आज की वीडियो में दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में क्लियर करा दिया। अगले वीडियो में इस पेपर के हम लोग चार चार नंबर वाले प्रश्न करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन बहुत तरीके से बताए, अच्छे तरीके से नोट कर लो, अच्छे तरीके से लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग चार चार नंबर वाले फिर छह छह नंबर वाले प्रश्न करेंगे, एक नंबर छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे आप लोग 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।